एपिसोड की स्टार्टिंग में स्योंगो की फैमिली और सुगरू की फैमिली सब एक साथ बैठे खाना खा रहे। सुगरू स्योंगो को अपने रूम में बुलाती है क्योंकि काफी दिनों से ये दोनों बाहर घूमने नहीं गए, और ये इसी वजह से क्योंकि स्योंगो अभी काफी बिजी है, तो सुगरू को 1 वीक और वेट करना होगा। 1 वीक भी 1000 ईयर जैसा लगता है। तभी डोंगजिन आ जाता है, उससे तो ये सब देखा नहीं जा रहा, और वो स्योंगो को फिर से एक बार सोचने को बोलता है क्योंकि उसके अकॉर्डिंग उसकी बहन पागल है। तो सुगरू उससे लड़ने लगती है। देन स्योंगो डोंगजिन को अपनी तरफ से कुछ पैसे देता है। अब तो डोंगजिन बहुत खुश लग रहा है। सुगरू तो बेचारी घबराई गई क्योंकि स्योंगो कहीं उसे छोड़ना दे, पर ऐसा नहीं होगा। दूसरी तरफ डैन को मोयम के कलीग से पता चलता है कि मोयम साउथ पोल जा रही है, जो हमेशा से उसकी ड्रीम थी। पर क्या मोयम सच में जाना चाहती है डैन और योंडो को छोड़कर? देन मोयम डैन से मिलती है जो मोयम को पिक करने आया है, पर मोयम तो डेट पर जाना चाहती है। ये तो डैन को अम्यूजमेंट पार्क ले आई जहाँ की राइड तो बहुत ही डरावनी लग रही है। डैन तो बहुत ही डरा हुआ लग रहा है, पर वो मोयम की खुशी के लिए कुछ भी करेगा और मोयम उसे पूरी तरह से प्रोटेक्ट करेगी। दोनों राइड पर पूरा एंजॉय करते हैं और एक दूसरे के साथ बहुत सारे गेम्स खेलते हैं। नेक्स्ट सीन में सारी लेवेंडर लेडीज एक साथ बैठी स्योंगो और सुगरू की वेडिंग के बारे में बात करी, और यहाँ भी ये दोनों इस टॉपिक पर लड़ने लगी, वो भी जोंडो के सामने। और दूसरी तरफ लगता है नाइन को डोंगजिन पर क्रश हो रहा है। सुगरू रास्ते में जाती जाती अपने फादर की शॉप पर रुकती है और फिर उसे मोयम की कॉल आती है। सुगरू अपनी फ्रेंड के लिए बहुत ही खुश है क्योंकि वो साउथ पोल जाने वाली है, पर मोयम ये बात डैन को कैसे बताए? सुगरू समझाती है कि तुम डैन को आराम से ये बात बताना, और वो भी पूरी सिंसेरिटी से। पर ये सुनकर डैन कैसे रिएक्ट करेगा? इस वक्त मोयम बस अकेले रहना चाहती है, तो वो सुगरू को जाने को बोलती है। डैन सुगरू स्योंगू के पास जाती है और स्योंगू को बहुत पैम्पर करती है क्योंकि स्योंगू ने आज बहुत सारा काम किया। सुगरू स्योंगू को भी मोयम के साउथ पोल जाने वाली बात बताती है और दोनों एक साथ घर जाते हैं। स्योंगू की मोम सुगरू की मोम से खाना बनाना सीखना चाहती है, और इसके बदले सुगरू की मोम भी स्योंगू की मोम से इंग्लिश सीखना चाहती है ताकि अगर वो कभी अब्रॉड जाए तो वहाँ के लोगों से इंग्लिश में बात कर सके। तो डील डन, स्योंगू की मोम खाना बनाना सीखना स्टार्ट करती है, पर इन्हें तो कुकिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता, बिल्कुल वैसे जैसे स्योंगू की मोम को इंग्लिश नहीं पता। दूसरी तरफ इनके हस्बैंड तो बस एक दूसरे से जैसे लीच की तरह चिपक ही गए, बस हमेशा एक साथ बैठे ड्रिंक ही करते रहते। और फिर स्योंगू के डैड सुगरू के डैड को अपना एक पुराना कैमरा भी देते जिससे वो फोटोग्राफी की प्रैक्टिस कर पाए। अरे सुगरू के डैड इनसे फोटोग्राफी सीखेंगे ताकि उनकी वाइफ भी खुश हो जाए, पर लगता है ये दोनों कुछ ज्यादा ही ड्रंक हो गए। और क्या ड्रंक होकर फोटोग्राफी सीख रहे हैं? यहाँ तो मारामारी चालू होगी। सबके सिखाने का तरीका थोड़ा अलग होता है यार। मोयम एक गिफ्ट लेकर डैन के घर आती है, और ये एक टी शर्ट है जैसा कि मोयम ने प्रॉमिस किया था, और डैन को मड फ्लैट वाली शर्ट पहनने की परमिशन अभी भी नहीं है। अरे ये तो 4 टी शर्ट है, एक डैन के लिए, एक मोयम के लिए, एक योंडो के लिए और एक मोयम की मॉम के लिए। डैन भी मोयम के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लाए जैसे स्वेटर्स बूट्स, क्योंकि साउथ पोल में बहुत ठंड होती है ना। मोयम को नहीं पता कि डैन ऑलरेडी ये बात जानता है, डैन कोई वैसा लड़का नहीं है जो अपने मतलब के लिए अपनी गर्लफ्रेंड को कुछ अचीव करने से रोकेगा, और ये बातें जोंडो सुन लेती है। जोंडो तो बहुत ही खुश है, और वो मोयम को वहाँ से पेंगुइन्स की फोटोज भेजने को बोलती है, और ये दोनों मोयम का वेट करेंगे। लगता है अब मोयम खुश है, और ये तीनों एक दूसरे को जोर से हक कर लेते हैं। सुगरू की वीडियोस पर अब अच्छे व्यूज आते हैं और लोगों को सुगरू की रेसिपीज अच्छी लगने लगी है। देन स्योंगू और सुगरू एक साथ बाहर घूमने जाते हैं, बस ऐसे ही टहलने और एक साथ बहुत सारी बातें करते हैं, बिल्कुल इनके बचपन जैसे। अब सुगरू के फादर की शॉप की रेनोवेशन होगी, तो ये दोनों शॉप को देखने जाते हैं, और लगता है जिसने ये शॉप खरीदी थी उसने इसे अब रेस्टोरेंट बनाना है। सुगरू को तो न्यू रेस्टोरेंट बहुत ही अच्छा लगा। स्योंगू सुगरू से कहता है कि ये किचन तुम्हारा है क्योंकि ये शॉप तुम्हारी है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि सुगरू के फादर स्योंगू के ऑफिस गए थे क्योंकि उन्हें स्योंगू से एक फेवर चाहिए था। असल में सुगरू के डैड अपनी शॉप की जगह अपनी बेटी के लिए एक रेस्टोरेंट बनाना चाहते थे, और ये काम वो स्योंगू से करवाना चाहते थे जो वो खुशी खुशी से करेगा। अच्छा, तो इसीलिए स्योंगू काफी दिनों से बिजी था। ये तो 2 मैन का कोलैबोरेशन है जो सुगरू से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। सुगरू तो रोने लगे। अब सुगरू अपने बनाए खाने से लोगों को कम्फर्ट दे सकती है। सुगरू को ये जगह बहुत ही पसंद है। दूसरी तरफ डोंगजिन ट्रेनर एग्जाम के लिए बहुत सारी तैयारी कर रहा है जो कल है, और डोंगजिन के ट्रेनर उसे एज अ गिफ्ट अपनी बेल्ट देते हैं। नाइन उसे देख रही होती है और वो डोंगजिन से कहती है कि पहले तुम अपना एग्जाम क्लियर करो और फिर तुम मेरे पर्सनल ट्रेनर बन जाना, तो मैं तुम्हारी फर्स्ट क्लाइंट बनूंगी। मोयम इन तीनों को फेयरवेल पार्टी देती है, वो भी स्टोर पर सिर्फ एक ड्रिंक से, क्योंकि अगर पार्टी बड़ी होती तो सुगरू ज्यादा रोती, पर सुगरू तो अभी भी रोने वाली है, और ये मोयम और डैन तो अपने में बिजी होती। तो चलो हम चलते हैं यहाँ से। नहीं नहीं बैठ जाओ। नेक्स्ट डे आज मोयम साउथ पोल जाएगी। जाने से पहले मोयम योंडो और अपनी मॉम से मिलती है। डैन उसे एयरपोर्ट छोड़ने जाएगा। देन दोनों एयरपोर्ट के लिए निकलते हैं। सुगरू अपने सब्सक्राइबर्स को अपने न्यू रेस्टोरेंट द रेनबो किचन के बारे में बताती है जो जल्दी ही ओपन होने वाला है। सुगरू अपने डैड को हक करके थैंक यू बोलती है। सुगरू के मॉम डैड रेस्टोरेंट देखकर बहुत ही खुश है, और सुगरू अपने डैड को अपना एडवाइजर बनाना चाहती है, और उन्हें तो मानना ही पड़ता है। अब सुगरू अपने कोडिंग एक्सपीरियंस से रेनबो किचन की ऐप भी बनाती है जिससे वो ऑनलाइन ऑर्डर्स ले सके और लोग अपनी हेल्थ के अकॉर्डिंग ऑर्डर्स कस्टमाइज करवा सके। अब सुगरू बहुत ही खुश है और सुगरू बहुत ही प्राउड, और कल इन दोनों को कहीं जाना है। सो नेक्स्ट डे ये दोनों एक शॉप पर होते हैं जहाँ सुगरू वेडिंग ड्रेस ट्राई करती है, और सुगरू उसे देखकर खो ही जाता है क्योंकि सुगरू बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है। सुगरू सुगरू को यहाँ टीज करता है, तो सुगरू बहाने से उसे अपने पास बुलाती है और फिर उस पर अटैक कर देती है। अब बोलो तुम क्या कह रहे थे,
पर शुक्र अपनी वेडिंग एक साल के लिए पोस्टपोन कर देती है क्योंकि अभी अभी तो उसने अपना काम स्टार्ट किया और मोयू भी तो यहाँ पर नहीं है, तो स्वयंगु तो वैसे भी शुक्र को मना नहीं कर सकता। तो अब आता है स्वयंगु के मॉम डैड की वेडिंग का डे। ये दोनों अब अपनी लाइफ की नई शुरुआत करना चाहते हैं जिसमें ये एक दूसरे को बहुत सारा प्यार दे सके। देन ये चारों एक साथ फैमिली फोटो क्लिक करवाते हैं क्योंकि शुक्रू भी तो अब इनकी फैमिली का ही पार्ट है। अब लेवेंडर लेडीज भी आ जाती है और सब एक साथ फोटोज क्लिक करवाते हैं। शुक्रू और शुक्रू भी बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह सारी लाइफ एक साथ रहना चाहते हैं, वो भी बहुत 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 लंबे टाइम तक। 10 मंथ्स लेटर लेवेंडर लेडीज एक साथ पार्क में, और अब यहाँ ये स्वयंगु और शुक्र की मॉम आपस में अपने बच्चों को लेकर नहीं बल्कि एक दूसरे के बच्चों की तारीफ करके लड़ रही है। स्वयंगु और शुक्र अपना अपना काम बहुत ही मेहनत और खुशी से कर रहे हैं। लगता है डोंगजिन का एग्जाम भी क्लियर हो गया इसीलिए अब वो 9 का पर्सनल ट्रेनर बन गया और अपनी जॉब को लेकर बहुत ही सीरियस है। शुक्र और स्वयंगु के डैड भी एक साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हैं और एक दूसरे को तंग भी करते हैं। मोयम भी साउथ पोल में अपना काम बहुत ही मेहनत से करी है। मोयम जोंडो और डैन को बहुत ही मिस करती है इसलिए नेक्स्ट मंथ डैन उसे मिलने जाएगा क्योंकि उसे साउथ पोल पर एक आर्टिकल लिखना है। मोयम तो बहुत ही खुश होगी। शुक्र के कस्टमर्स भी शुक्र के खाने से बहुत ही खुश है। स्वयंगु ने मियोंग के लिए घर बनाने का प्रॉमिस किया था, पर ये स्वयंगु तो पहले अपना घर बना रहे क्योंकि उसे शादी भी तो करनी है। मियोंग कहता है कि वेलकम टू हेल्थ, पर स्वयंगु के लिए तो ये होगा हेवन। स्वयंगु अब अपनी फर्म में वॉलंटियर एक्टिविटीज भी करवाता है और स्वयंगु की मॉम ने अपनी डिप्लोमेट एक्सपीरियंस पर एक बुक भी लिखी है जो वो मियोंग को देती है। और स्वयंगु की मॉम यहाँ अपनी स्टोरी क्लास स्टार्ट करना चाहती है क्योंकि वो बच्चों को बहुत ही अच्छी स्टोरी सुनाती है। स्वयंगु और शुक्रू अपने न्यू हाउस की रिगार्डिंग बात करने के लिए मिलने वाले थे तो शुक्रू भूल गई। इस पर स्वयंगु थोड़ा इरिटेट हो जाता है और इन दोनों में थोड़ी बहस हो जाती है, तो ये एक रूल बनाते हैं कि ये लड़ते टाइम एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे और हनी क्या कर लड़ेंगे और हाथ तभी छोड़ेंगे जब लड़ाई सॉल्व होगी। तो क्या आप चले? पर ये दोनों फिर से लड़ने लगते हैं पर एक दूसरे को हनी बोलकर, पर जैसा भी हो हमेशा एक दूसरे के साथ ही रहेंगे। तो अब ये कॉन्ट्रैक्टर को मिलेंगे अपने न्यू हाउस को देखने के लिए, तो चलो फिर चलते हैं। और ये ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है, मिलते हैं एक न्यू ड्रामा के साथ। बाय बाय, सी यू अगेन।